सरकार जो बार बार बड़े दावे केंद्र से लेके मुख्यमंत्री तक बड़े बड़े दावे होते हैं, लेकिन साइकिल पे कोई चीजें जो है सेट नहीं बैठती। कोई बात नहीं, कर लो ना आप। देखिए ये तो मेरे कहने मेरे करने में तो आम आदमी नहीं दिखा पड़ता है, लेकिन बात केंद्र ऐसी है कि इसमें न्याय मिलना चाहिए। वो जो उसकी कार्रवाई है वो पारदर्शी और वो जल्द ये होनी चाहिए, और जो दोषी है वो कोई बचना नहीं चाहिए, जिसका जितना दोष है उसको उतनी सजा मिलनी चाहिए। और जो दोष ऐसा भी ना हो कि कोई नजायज केस था या पुलिस उसमें गड़बड़ करके दोषी को छोड़ दे, मेरे दोस्त को छोड़, ऐसी चीज़ें इसमें नहीं होनी चाहिए। और मतलब ये कहेंगे कि दुर्भाग्यपूर्ण है, अभी तो उसकी उम्र भी मेरे ख्याल से 14-15 साल ही है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और जहाँ तक इस सरकार का सवाल है, मणिपुर जैसी घटना पे पर्दा डाल सकते हैं, ये कहीं कुछ भी कर सकते। मनसा क्या लग रही है तरुणी साहब, आप लोग परिवार से मिल के मनसा क्या लग रही है, सरकार की क्या मनसा है? परिवार से मिलने से तो सरकार की मनसा का पता नहीं चलता, सरकार की मनसा सरकार से मिलने से पता चलता है। और बाकी जो है इनके और उच्च अधिकारियों से इन्होंने बात डाल दी है कि यहाँ पे कोई इस तरह से कोई ना हो कि पुलिस मिली भगत करके कुछ गड़बड़ी करते, उनको उच्च अधिकारियों को डाल दी। क्या परिवार ने अंदेशा जताया इस तरह पुलिस के साथ कोई चैटिंगबाजी हो? देखिए परिवार का संदेशा तो जैसे कह रहे हैं कि होटल वाले एक स्वीट पर अरेस्ट कर दिया है, मालिक को नहीं किया है, जो होटल वाले ये करते हैं कि बिना उसके कमरे दे देते हैं, गलत है। और इन गलत चीज़ों को बढ़ावा मिलता है तो डाउट जो परिवार कर रहा है वो यही है कि लोग बच ना जाए, जो असली मित्र है वो बच ना जाए। जानकारी जो सामने आ रही हो रही गाँव के कुछ जो लड़के उसमें शामिल थे उनको गिरफ्तार भी किया है, पुलिस कह रही है हमें गिरफ्तार किया। देखो शायद पता लगा दो लड़कों को गिरफ्तार किया, लेकिन उसमें अभी और कितने बाकी हैं ये तो पुलिस छानबीन से ही पता चलेगा। और दूसरी बात इसमें ये है कि इसकी कार्रवाई हमें जरूर देनी नज़र आ रही है। जैसे पहले दो दिन सरकारी अस्पताल में रही, अब सरकारी हॉस्पिटल वालों की कार्रवाई नहीं की, क्यों वो कार्रवाई नहीं की? अगर उन्होंने दो दिन कार्रवाई की नहीं की तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, तनख्वाह नहीं देगा और किस लिए वहाँ बैठे हैं? और इतने गंभीर केस में बालिक का केस और वो दो दिन तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो उनके ऊपर भी मत नहीं देता, उनके ऊपर उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको दंड मिलनी चाहिए, उनको दो दिन तक कार्रवाई। क्या जो प्रशासन के लोग हैं वो मिले हुए यहाँ रुके? नहीं देखिए ये तो नहीं कह सकते कि मिले हुए हैं, हो सकता है उनके सामने कोई दिक्कत हो सकता है उनके सामने कोई सबूत ना आए हो सकता है मिले हुए भी हों, दोनों बातें होती हैं ना। हमारे देश में इतने शरीफ तो कोई नहीं है, यहाँ तो जिसका सूट नहीं बैठता वो ईमानदार, जो सूट बैठ गया वो लगा लेता है। तो अब आप लोग आए हो, क्या कुछ प्रशासन को अल्टीमेटम दिया कुछ बातें? देखिए हम ये कह रहे हैं कि प्रशासन जो है वो समय रहते कार्रवाई करे, फिर ये ना हो कि आज तो ये थोड़े दायरे में है, कल ये इसका दायरा बढ़ जाए और कल ये और फिर समाज में आक्रोश फैलता जाए उसकी वजह से, इसलिए तो समय रहते ही कार्रवाई करें और पारदर्शी कार्रवाई करें। गुरु नाम सिंह चटूनी है और एक ही बात है।